मेरे कार्य को पूरा होने के लिए तुम्हारा बेहोश होना बहुत जरूरी था। सात संडे के खेलते थे हम दन दनादन पर लग नहीं रहा उसके बिना अब हमारा मन। मैं हर समय संडे पे गुस्सा करता रहता हूँ, पर अब वो आएगा तो मैं उस पे दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी नहीं। बड़े भैया, मायूसी नहीं, मायूसी नहीं, पर कहना है वही, एक पल के लिए हमारे संडे को हम हमसे कभी दूर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। एक बार आने दो उसे, मैं उसकी इतनी दो 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 दुलाई दुलाई नहीं दो दो दवा पानी दो देखभाल। हाँ, इतनी देखभाल करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। उसे हमेशा पूछता रहूंगा कि वो ठीक तो है ना, उसे कुछ चाहिए तो नहीं ना। या ब्रो, बस हमारा लाडला भाई संडे हमें वापस मिल जाए। तुम ठीक हो ना संडे, लौट आओ, जल्द से जल्द लौट आओ। हम सब भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लौट आओ संडे, लौट आओ, लौट आओ ब्रो, जल्दी से वापस लौट आओ। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपसे कभी नहीं बिछड़ेगा। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, बालवीर गया है ना संडे को बचाने, और आप सब तो जानते ही है ना कि बालवीर कभी नहीं हारता। और इस बार भी वो नहीं हारेगा। पर हमें तो डर है कि बालवीर आसमानी पर्वत पर चढ़ पाया भी होगा या नहीं। लेकिन आसमानी पर्वत पर चढ़ने के बाद भी बालवीर को कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं, लेकिन बालवीर सारे खतरों को पार करके संडे को बचाकर ले आएगा। और हमारे चेहरे पे फिर से मुस्कान आएगा। आग तो मेरे बहुत करीब आ गई है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा और इस आग से बाहर निकलना होगा। We'll be right back.
गुरु बख्शे की शक्ति इसकी मुंह से निकलती हुई आग है, तो अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसकी शक्ति को छीनना होगा। देर ना हो संडे के बचने में, बन जाए खतरु पक्षी रस्सी के फंदे में। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में आने की बुराई को यही सजा मिलती है। आई तुम, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि कोई बुरी परी है। नहीं नहीं आई, पर मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। तो साफ कर लो। ठीक है। ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षा अंगूठी साफ कर सकूं। यहाँ पे खतरे की कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ सचिन और उसकी माँ ही है, लेकिन नोकीली परी कभी भी यहाँ आ सकती है, इसलिए हम घर के बाहर जाकर सुरक्षा कवच लगा देते हैं। जैसे ही नुकीली परी आएगी, सुरक्षा बोपो बजने लगेगा और हमें यहां पता चल जाएगा। अब तुम इस जादुई कपड़े से हाथ पोछोगी और ये कपड़ा तुम्हारी सुरक्षा अंगूठी निगल जाएगा। कहाँ है सचिन? ये लो, इससे हाथ साफ कर लो। बचना इतना आसान नहीं है। भूल जाए ये संडे को हमेशा हमेशा के लिए।
बस दो कदम और संडे के अस्तित्व को समाप्त होने में, दो नहीं दो सिर्फ एक कदम। तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होने में। बालवीर तुम यहां, तुम आसमानी पर्वत भी चढ़ गए? हाँ भयंकर परी, मैं यहां और मैं अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए एक आसमानी पर्वत क्या, सात आसमानी पर्वत चढ़ सकता हूं। और वैसे भी जहां जहां तुम्हारी बुराई जाएगी वहां उसे समाप्त करने के लिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। था कहां मैंने आपको परी भयंकर, कि नहीं छूटेगा बुराई का पीछा कभी आपसे, चाहे जाओ आप कहीं भी। हाँ पर इस बार समाप्त तुम और बच्चों की खुशियां होंगी। मेरे रहते बच्चों की खुशियां कोई नहीं छीन सकता। तो ठीक है, अब संडे से पहले मैं तुम्हें समाप्त करूंगी। सचिन, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया किचन से आने में? मुझे तो लगा कि तू भी संडे की तरह गायब हो गया। अरे ऐसे कैसे मैं संडे की तरह गायब हो सकता हूँ? भटका दे परे, सब कुछ ठीक है। और वैसे ये संडे क्या है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। ये सचिन संडे को कैसे भूल गए? सचिन तुम मजाक मत कर। मजाक? अरे मजाक मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मजाक तो तुम लोग कर रहे हो। खुद बोला कि संडे होता है, लेकिन बोलो तो सही कि संडे क्या होता है। सचिन तुझे संडे याद नहीं है? अरे मैं तो ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। नटखट परी, ये सचिन ऐसा क्यों बोल रहा है? पता नहीं भटका दी परी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाने से पहले तो सचिन को संडे अच्छे से याद था। अरे बता नहीं संडे क्या होता है, कहाँ सुना तुम दोनों ने ये वर्ड? सचिन प्लीज अब तू ऐसे मत बोला कि तू संडे भूल गया है। हाँ? अरे इसमें भूलना क्या है, मैं तो ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। अरे सचिन तू संडे कैसे भूल सकता है, ये देख संडे एक डे है, देख। भटकाती परी, कहीं उस नुकीली परी ने सचिन से संडे की याद तो नहीं छीन ली? ऐसा कैसे हो सकता है नटखट परी, हमने खुद घर के बाहर सुरक्षा कवच लगाया है और घर के बाहर भी सिर्फ सचिन और सचिन की माँ ही थी। ये कैसा कैलेंडर है, ऐसे कैसे तुम लोग अपनी ये मर्जी से संडे बना सकते हो? ये मर्जी से? फेंको इस कैलेंडर को और अपना पुराना वाला कैलेंडर लगाओ जिसमें सलोनी तुम्हारा बर्थडे मंडे को है। सचिन मेरा बर्थडे संडे को ही है और संडे को ही होगा। हाँ। अरे संडे नहीं होता है। अरे संडे होता है। अरे नहीं होता है। होता है। संडे डे है। परियों का वार अपने ऊपर लेने के बाद मैं परियों की गंध को महसूस कर सकती हूँ और मुझे यहाँ परियों की गंध आ रही है। कहीं वो परिया यहाँ तो नहीं?
लोग नाश्ता करने चलो। ठीक है। अरे ये क्या, ये कमरा कितना गंदा किया हुआ है। सॉरी आई, हम अभी साफ कर लेते हैं। नहीं नहीं रुको, तुम रहने दो, मैं साफ कर लूंगा। तुम जाओ टेबल पे बैठो। ओके ओके। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना वो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। वाह शाबाश परी भयंकर, कर दो खत्म इस बालवीर को। अभी नहीं, अभी तो इसे खुद अपनी आंखों के सामने ने प्यारे संडे को, प्यारे संडे को, प्यारे संडे को मिटते हुए देखना है। और फिर अपने आप को भी। तुम संडे को बचाने आए थे बालवीर, लेकिन अब तुम खुद इस चट्टान से नहीं बचोगे।